The topic for today's lecture is microstrip antenna system. Okay. Basically, what is my very first microstrip antenna system? क्या होता है ये हम देखते हैं. Name suggests itself, a microstrip antenna means microstrip means जो बहुत ही small in size होता है. ठीक है. Your unit number 4 microstrip antenna system. माइक्रोस्ट्रिप आप इसके नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इसका नाम है माइक्रोस्ट्रिप एंटेना सिस्टम. दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी स्मॉल इन साइज एंटेना सिस्टम. ये कहीं पे भी अडेप्ट हो जाता है ये एंटेना सिस्टम. फॉर एग्जांपल इन योर मोबाइल सिस्टम, मोबाइल फोन, आपके मोबाइल फोन में जो यूज होता है वहाँ पे भी यूज हो सकता है माइक्रोस्ट्रिप एंटेना सिस्टम. या किसी भी सिस्टम के इंटरनल पार्ट्स में या किसी भी सिस्टम में ये जल्दी से अडेप्ट हो जाता है. ओके. सो माइक्रोस्ट्रिप एंटेना सिस्टम इज वेरी स्मॉल एंटेना सिस्टम. ओके. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, और इसको ही इंटरनल एंटेना सिस्टम भी कहा जाता है. बिकॉज क्योंकि ये कहीं पे भी अडेप्ट हो जाता है, इंटरनल एंटेना सिस्टम. दिस इज द कंस्ट्रक्शनल डायग्राम फॉर माइक्रोस्ट्रिप एंटेना सिस्टम. माइक्रोस्ट्रिप एंटेना सिस्टम बेसिकली this pink shed is a dielectric substrate. This total is dielectric substrate. ये जो portion है, ठीक है, ये full portion एक dielectric substrate रहता है. This hole is dielectric substrate. This is the dielectric substrate total. This is the ground plane, which is indicated by yellow color. This is the ground plane. Okay. And a small metallic patch is inserted one side of dielectric substrate. Dielectric substrate ke ek side mein ये पैच, मेटेलिक कंडक्टिंग रेडिएटिंग पैच कनेक्ट किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है. एंड अदर साइड ऑफ डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट इज ग्राउंडेड, ग्राउंड प्लेन से उसे कवर किया जाता है. ग्राउंडेड, यू कैन सी फ्रॉम हियर, इट इज अ ग्राउंड, ग्राउंडेड. सो इट इज, दिस इज द ग्राउंड प्लेन, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट, एंड this is your patch conducting material. Okay, you understand? Okay. Epsilon r is a dielectric constant of this substrate. Epsilon r indicates dielectric constant of this substrate. Then patch is a small conducting metallic substance. Patch जो होता है वो small conducting metallic substance होता है. Patch microstrip. This is the small in size, which is a conducting and radiating also metallic substance. Patch is made up of, ये जो patch रहता है, this patch is made up of copper and gold. अगर हम gold use करेंगे तो system will become a costlier. सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर हो जाती है. इसीलिए मोस्टली इन माइक्रोस्ट्रिप एंटेना वी यूज अ कॉपर पैच. ओके. कॉपर इज मोस्टली यूज. और ये जो सिस्टम होता है, ये जो पैच होता है, ये मेनी कॉमन शेप्स में अवेलेबल होता है. फॉर एग्जांपल सर्कल, स्क्वेयर, डिस्क, मैट्रिक, देन योर हेक्सागोनल. So if we are using circular patch, then it is a circular microstrip antenna. If we are using a square patch, then it is a square microstrip antenna, like this. Okay. So this is the constructional diagram, and the main, this is the feed lines. ये जो होती है, ये feed lines होती है. The connection. कनेक्शन फीड लाइन्स टू द पैच, दिस मेटेलिक पैच थ्रू दिस डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट इज
डूइंग बाय इज डन बाय प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटो ईच्ड मेथड। फोटो ईच्ड मेथड क्या होती है, ये जो फीड लाइंस होती है दो, ये जो दो फीड लाइंस होती है, ये लाइंस ये पैच से अटैच करना करने की जो प्रोसेस होती है थ्रू दिस डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट, और इस प्रोसेस को कहते हैं फोटो ईच्ड मेथड। ओके, दिस मेथड इज कॉल्ड एज फोटो ईच्ड मेथड। दिस इज ग्राउंड प्लेन, दिस इज द कंस्ट्रक्शनल डायग्राम ऑफ योर डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट। ग्राउंड प्लेन, डाइलेक्ट्रिक सबस्ट्रेट, एप्सिलॉन आर, फोटो ईच्ड मेथड फॉर कनेक्टिंग दिस टू फील्ड लाइंस टू द फील्ड लाइंस टू द पैच, एंड एप्सिलॉन आर इज अ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, एच इज द हाइट ऑफ सबस्ट्रेट, दिस स्मॉल एच इज अ हाइट ऑफ पैच, दिस इज द एल लेंथ ऑफ पैच, दिस इज द विड्थ ऑफ पैच। ओके, this is the constructional diagram of patch system. Now we are going to discuss the radiation mechanism of antenna microstrip antenna system. Radiation mechanism of microstrip antenna system, iske ye jo microstrip antenna hai isme radiation kis tarah se hota hai wo hum dekhte hain. वही डायग्राम है, सेम डायग्राम, दिस इज द सेम वन, दिस इज द टू फीडिंग लाइंस, दिस इज द टू फीडिंग लाइंस, दिस इज द लेंथ ऑफ पैच, दिस इज योर पैच पी। ओके, दिस इज द लेंथ ऑफ योर पैच, दिस इज द विड्थ, दिस इज सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है आपका, एंड दिस वन इज ग्राउंड प्लेन। हम देख रहे हैं रेडिएशन मैकेनिज्म, रेडिएटिंग मैकेनिज्म। माइक्रोस्ट्रिप एंटेना में जो रेडिएशन होता है वो जो फेनोमेना है उसको कहा जाता है फ्रिंगिंग फील्ड। फ्रिंगिंग फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन माइक्रोस्ट्रिप एंटेना। फ्रिंगिंग फील्ड, फ्रिंगिंग फील्ड। अब फ्रिंगिंग फील्ड क्या होती है वो हम देखते हैं। ओके, व्हाट इज फ्रिंगिंग फील्ड? जब हम इस एंटेना को इनपुट प्रोवाइड करेंगे लाइक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, व्हेन वी आर गिविंग एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू दिस टू फीड लाइंस, व्हाट विल हैपन? दिस अल्टरनेटिंग एसी करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस टू फीडिंग लाइंस, देन उसके बाद ये यहाँ से ऑसिलेट होगा थ्रू द लेंथ, यहाँ से ऑसिलेट होता है थ्रू द लेंथ, दिस इनपुट सिग्नल इज ऑसिलेटेड थ्रू द लेंथ, एंड एट द एज, ये जो एज होता है पैच लाइन का, वहां से ये रेडिएशन इस तरह से रेडिएट होते हैं थ्रू द एज, थ्रू द एज दिस सिग्नल इज रेडिएटेड लाइक दिस। ओके, सो दिस रेडिएशन इज, दिस इफेक्ट is called as fringing effect, fringing effect, and a total field we get from this fringing effect is called as fringing field. Okay, simple hai, कोई डिफिकल्ट नहीं है। व्हेन वी अप्लाई इनपुट सिग्नल फ्रॉम टू फीडिंग लाइंस, देन व्हाट हैपेंड? दिस अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू दिस टू फीडिंग लाइंस
and through the length of this patch, oscillate it through the length of this patch, but at the edge of this patch, the radiation is like this. Radiate, this signal is radiate like this. This radiation is called as fringing effect, and the field we get from this effect is called as fringing field. Now we study this fringing effect और depth में जाते हैं, अगर हम थोड़ा इसको और नज़दीक से देखते हैं कि किस तरह से हमें field मिलती है, तो वो हम इसका एक cross section लेंगे. ये जो हमारा microstrip antenna है, for example हम इसको यहाँ से ऐसे cut कर रहे हैं, for example हमने इस तरह से cut किया, तो ये जो portion है हम उसकी study अगर करते हैं तो हमें इस तरह से ये portion दिखेगा. ठीक है, I'm indicating this is the substrate, this is ground plane, this is substrate dielectric, substrate epsilon r dielectric constant, okay. This L is a length of patch. हमने इसका क्रॉस सेक्शन लिया है. This L is a length of your patch. This is the height of substrate. I will showing you. आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा. For example, ये अभी हमने देखा था, ये L length, this is the length, ये जो L length है patch की वो ये है, okay, and this is total substrate, this total substrate is this substrate, this is the ground plane is this, okay, ये सारे हमने अभी cross section लिया है. So अगर हम study करते हैं तो जैसे हम सप्लाई देंगे, जैसे हम इंटरनल सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट ऑसिलेट्स थ्रू लाइन थ्रू द लेंथ, दिस इज द ऑसिलेटिंग करंट, एंड यू ऑल नो ऑसिलेटिंग करंट हैविंग अ पॉजिटिव फेज एज वेल एज नेगेटिव फेज. सो दिस इज द नॉर्मल लाइंस, दिस इज वेक्टर लाइंस, नेगेटिव फेज, this is positive and this is negative phase. इनको हम कहते हैं normal lines. And this is vectored lines. These are normal lines. These are vector lines. Okay, and these are the fringing lines. Okay, these are the fringing lines indicated by yellow color. These are the fringing lines. Okay. अब क्या होता है, जब हम supply provide करते हैं, then these normal lines and these vector lines, due to opposite directions and opposite polarity of current, these both cancelled out each other. ये एक दूसरे को normal lines and vector lines cancelled out each other, cancel कर देते एक दूसरे को, then we will get only a fringing lines. हमारे पास फिर क्या रहती है, सिर्फ फ्रिंगिंग लाइंस, और सभी फ्रिंगिंग लाइंस सेम फेज में होती हैं, सो दैट्स व्हाई वी गेट अ टोटल फ्रिंगिंग लाइन रेडिएशन. वी गेट टोटल फ्रिंगिंग लाइंस, इन सबका एडिशन होने के बाद
due to same phase we get a total radiation of microstrip antenna through these fringing lines. This is the radiation mechanism of microstrip antenna system.